हेलो दोस्तों, आज पुनः मैं आपके समक्ष एक और वीडियो जो है मैच का लेकर उपस्थित हूँ। ये देखिए, ये पिच जहाँ पर क्रिकेट होने वाली है, और यहाँ पर आज होने वाला है उल्डी खान और अंगनेरी 11 का। और ये जो मैच है, हम मौजूद है पिच पर, और ये जो अभी हो रहा है, ये हो रहा है उल्डी खान और अंगनेरी का मैच। और इस मैच में जो है काफ़ी जो है इसकी बाउंड्री कुछ इस प्रकार से काफ़ी लंबी चौड़ी बाउंड्रीज है। कॉस्को की बॉल से मैच हो रहा है और हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप मैच का मज़ा लीजिए। और साथ साथ यहाँ पर जो है जानवर भी घास चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार पिच पर नज़र डालें तो ये देखिए, इसको अगर आप देखें तो वही अपना पुराना पारंपरिक जो खेलने वाला एंड है, वहाँ पर तो स्टंप लगे हुए हैं तीन। और यहाँ पर देखें नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमारा जो पुराना पारंपरिक मेथड हुआ करता था, तो वही दो पत्थर लगा करके, जिसको आप देख सकते, दो पत्थर लगे हुए हैं और इन दो पत्थरों के को स्टंप माना जाता है, और स्टंप मान करके यहाँ पर मैच किया जाता है। यह है बॉलिंग रनअप का एरिया, और अगर इस प्रकार से दिखाऊं तो यह है फील्ड का कुछ एरिया जो कि बिल्कुल एकदम रोलर से रोल किया गया है। सामने अगर आप देखें तो स्टंप के पीछे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रोलर भी रखा हुआ है, और रोलर से इस पिच को जो है काफ़ी हार्ड बनाया गया है। नेगार 11 जो है बैटिंग करते हुए, और बैटिंग का भार संभाले हुए हैं चेतन, और मुकेश, और फील्डिंग आप ये बॉलिंग मार्क पर पहली बॉल लेकर के, और पहली बॉल को घुमा दिया है और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, और मिस्टर विजय ने बॉल को फील्ड किया। दूसरी बॉल का सामना करेंगे मिस्टर चेतन दूसरी बॉल के सामना करने के लिए तैयार है, और घुमा देना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल गई सीधे विकेट कीपर नितिन के हाथों में। तीसरी बॉल लेकर के टीम के लिए, और अपने कोटे का पहली ओवर की तीसरी बॉल, और उठा के मारना चाहते थे लेकिन नहीं, स्लोअर बॉल से बीट हुए। अगली बॉल, और इसका सामना कर रहे हैं मिस्टर चेतन, और काफी अच्छी बॉल, सम्मान दिया बॉल को, काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। पहला ओवर लेकर के पहुंचे यहां पे, और अगली बॉल, और बोल्ड कर दिया है लो फुल टॉस पर। और आज मिस्टर जो चेतन है वो टीम के स्कोर में और अपने निजी स्कोर में कोई भी इजाफा नहीं कर पाए, और डक पर इन्हें बोल्ड कर दिया है। बोल्ड मारने वाले बॉलर थे नीरज। अगली बॉल लेकर के, और अगली बॉल उठा के मारा है, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ, और इसी के साथ सीधे चार रन के लिए। तो पहली बॉल पर बोल्ड मारा था, अगली बॉल पर चार रन, एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर की हुई समाप्ति। और इसी के साथ मिस्टर मुकेश जो है वो आए हैं स्ट्राइक पर, और अगला ओवर कराएंगे मिस्टर राकेश। राकेश धीरे धीरे कदमों से, और उठा के मारना चाहते थे पारस बॉल के नीचे, लेकिन बॉल सीमा रेखा के बाहर सीधे छह रन के लिए, कोई चांस नहीं पारस के लिए। काफी अच्छी बैटिंग मिस्टर योगेश मंडाल के द्वारा, और राकेश अगली बॉल लेकर के धीरे धीरे कदमों से, और बैटिंग का भार संभालो मुकेश, और मुकेश उठा के मारना चाहते थे लेकिन बॉल गई गैप में, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ स्ट्राइक चेंज हुई, बैटिंग स्ट्राइक पा गए निखिल। पहली बॉल और काफी अच्छा घुमाया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, निखिल जो है आते ही अपना खाता भी नहीं खोल पाए, काफी निराश होंगे।
काफ़ी अच्छी बॉल थी और मिस्टर राकेश को भी सफलता मिल चुकी है। दोनों बॉलर अभी तक दोनों ओवर में एक एक विकेट ले चुके हैं और मिस्टर राकेश अगली बॉल लेकर के और कट किया ऑफ की तरफ और आसानी से एक रन प्राप्त किया और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं मिस्टर मुकेश मंडाल। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सूझबूझ भरी पारी को बिल्ड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बॉल, काफ़ी जोर लगा रहे हैं मिस्टर राकेश। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई और अगला ओवर लेकर के आए हैं और मिस्टर कुबेर सामना करेंगे। पहली बॉल काफ़ी अच्छी गेंद, समझ नहीं आई कब निकली, काफ़ी अच्छी गेंद, काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरे पेश कर रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है और दो विकेट अभी तक आउट हो चुके हैं। इसी के साथ स्लोअर बॉल में बीट किया, काफ़ी अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर धीराज। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे पेश कर रहे हैं और ये अगली बॉल बैक फॉलो थ्रू द बॉलर और इसी के साथ बॉल गई चार मिस फील्ड और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पे है, दो विकेट डाउन हो चुके हैं और स्कोर है 22 रन और कुबेर स्ट्राइक पर और उठा के मारना चाहते थे सीधे बॉलर के सर के ऊपर से सीधे चार रनों के लिए बॉल की चार रन, उछलता कूदता स्कोर 26 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग के नाम से भी इनको जाना जाता है और क्योंकि इनका जो खेलने का की शैली है वो आक्रामक है तो इसीलिए इनको वीरेंद्र सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। और अगली बॉल काफ़ी अच्छी बॉल, तीन ओवर की समाप्ति पर टीम नैगाड़ इलेवन का स्कोर है 26 रन। अगला ओवर लेके आएंगे धीरे धीरे की बॉल का सामना करेंगे मुकेश मंडाल। काफ़ी अच्छी बॉल मुकेश मंडाल जो कि एज ओपनर आए थे अभी तक बने हुए हैं क्रीज पे और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 26 रन अब तक टीम का स्कोर है। चौथा ओवर प्रगति पर है, चौथे ओवर और इसी के साथ जो है काफ़ी अच्छी बॉल मिस्टर धीरज के द्वारा, मिस्टर धीरज काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए और यहाँ पर और उठा के मारा है बॉल का सीमा रेखा के बाहर सीधे 6 रन निकले, काफ़ी लंबा छक्का सीधे रामगंगा नदी की तरफ। मुकेश के बल्ले से निकला ये छक्का, काफ़ी लंबा छक्का मारा और राकेश अगली बॉल लेकर के धीरे कदमों से और काफ़ी अच्छे स्वीटली जो बॉल को खेल दिया है और इसी के साथ दो रन आसानी से चुरा लेंगे। और टीम का स्कोर हो गया है 38 रन। मिस्टर मुकेश बैटिंग और ये उठा के मारा बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, काफ़ी पिटाई हुई है इस ओवर में मिस्टर राकेश की। चौथे ओवर के आखिरी बॉल लेकर के मिस्टर राकेश मुकेश के लिए और उठा के मारना चाहते हैं और बॉल जा रही है, बॉल जा मिस फील्ड और बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और इसी के साथ चार ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर है 44 रन दो विकेट के नुकसान पर मिस्टर पारस टीम के जो कैप्टन है वो आए हैं अगला ओवर लेकर के। और इसी के साथ पहली बॉल काफ़ी अच्छी बॉल बीट हुए बैट्समैन, दूसरी गेंद लेकर के मिस्टर पारस धीरे धीरे कदम से और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी के साथ 45 रन अगली बॉल लेकर मिस्टर पारस, काफ़ी अच्छी बॉल और इसी के साथ
एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अब आगे स्ट्राइक पर मुकेश जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, और अगली बॉल और उठा के मारा है बॉल को सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। काफी मिस्टर पारस अगली बॉल लेकर के और उठा के मारा है, और ये और इसके बाद मिस फील्ड और आसान सा कैच जो है वो छूटा, और काफी महंगा पड़ने वाला है ये कैच, क्योंकि जिस फॉर्म में इस समय मुकेश हैं तो इनका कैच जो है काफी दिक्कत पैदा करेगा। हाँ, अगली बॉल का सामना, ओ घुमा के मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए मिस्टर पारस। अच्छी बॉल का मुजाहरा, पुनः बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे कदम से बॉल बॉलिंग करते हुए सहवाग की झलक के साथ, ओ इसी के साथ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ओवर की हुई समाप्ति, अगला ओवर लेकर के आए मिस्टर नितिन मेहरा, और ये पहली बॉल पर विकेट मारा। काफी अच्छी बॉल यहाँ पर पेश करी थी, पहली बॉल पर विकेट किया, और अगली बॉल मुकेश बिज्जू, आज दूसरा कैच, अभी पिछले 3 गेंदों में 2 कैच जो है मिस कर दिए हैं, और इसी के साथ रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फील्डर काफी चौकन्ने नवीन। अगली बॉल लेकर के चेतन के लिए, चेतन उठा के मारना चाहते थे ग्राउंडर शॉट, और फील्डर वहां पर मौजूद राकेश, काफी अच्छी फील्डिंग मिस्टर राकेश के द्वारा। अब आए हैं मुकेश स्ट्राइक पर, मुकेश देखते हैं टीम के लिए क्या कर गुजरते हैं। बॉलिंग पर नितिन धीरे धीरे कदमों से, और काफी अच्छा, इसी के साथ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, और ये मिसफील्ड इसी के साथ, और जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 3 रन हो गए हैं, मिसफील्ड यहां पर काफी ज्यादा। टीम का स्कोर हो गया है 59 रन। छठा ओवर प्रगति पे है, और उठा के मारा है बॉल को, और बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और टीम का स्कोर हो गया 65 रन। छठा ओवर अभी प्रगति पे है, 65 रन बन चुके हैं। अगली बॉल लेकर के मिस्टर नितिन, और उठा के मारा है बॉल फील्डर के तरफ, और इसी के साथ मिस फील्ड होते हुए, चलो 2 रन का इजाफा, 67 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 67 रन, और 10 ओवर का ये मैच 67 रन हो गया, और जीतने के लिए अगला ओवर पारस लेके आते हुए बॉलिंग करेंगे मुकेश को, और मुकेश बैटिंग, काफी अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉलों का मुजाहरा पेश कर रहे हैं मिस्टर पारस। मुकेश सामना करेंगे मिस्टर पारस का, धीरे धीरे कदमों से पारस आते हुए 3री बॉल लेकर के, और ये इसी के साथ बॉल 2 रन यहाँ पर दौड़ के पूरे कर लिए हैं, और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर गया 67 रन। पारस अपने ओवर के अगली गेंद लेकर के मिस्टर योगेश के लिए, योगेश उठा के मारना चाहते थे लेकिन चूके, काफी अच्छी बॉल करा रहे हैं मिस्टर पारस, बांध जैसा दिया है, काफी बांध के रख दिया इस ओवर में मिस्टर पारस ने, रनों की गति पर अंकुश लगा दिया है। ये उड़ा के मारने की कोशिश की है लेकिन बॉल मिड विकेट में, और तब तक दौड़ करके 2 रन पूरे कर लेंगे, और पारस अपने बॉलिंग मार्ग पर पुनः, और योगेश पुनः बैटिंग के लिए, थोड़ा व्यवधान करते हुए जानवर, और
उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस फील्ड के चलते रन लेने से मना किया मिस्टर चेतन ने, क्योंकि आखिरी बॉल थी तो मिस्टर चेतन ने रन लेने से मना किया। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आ रहे मिस्टर नवीन मेहरा, नवीन सिंह मेहरा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए, और पहली बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है मिस्टर चेतन ने। और 8वां ओवर प्रगति पे, टीम का स्कोर हो गया 77 रन। और उठा के माने जाते थे ग्राउंडेड शॉट, और इसी के साथ वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन और इसी के साथ रन आउट वो मिस्टर योगेश, 77 रन, क्योंकि एक रन पहला रन शॉर्ट था। तो यहाँ पे अकेले लड़ते हुए मिस्टर चेतन अपनी टीम के लिए अकेले लड़ रहे हैं। आने वाले बैट्समैन विजय अपनी टीम के लिए देखते क्या कर गुजरते हैं, और बॉल को उठा के मारा है सीधे रामगंगा नदी के पार पहुंचा दिया है। और टीम का उछलता कूदता बढ़ता स्कोर 84 रन, 84 रन, 8वां ओवर प्रगति पे है, 8वां ओवर प्रगति पे है, और टीम का स्कोर है 84 रन। लंबी बॉल फेंकी थी जिसको सही नतीजा पहुंचाया मिस्टर, अगली बॉल लेके मिस्टर नितिन, और अगली बॉल ये सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मिस फील्ड, और 4 रन। बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट है वो 500 का है अभी समय, 2 गेंदे खेल के और 10 रन बना दिए हैं। और उठा के मारना चाहते थे लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं हुई। तो अगला ओवर लेके आए हैं मिस्टर पारस, 12 बॉल बची है 34 रन, और उठा के मारने की कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है इस बॉल का नतीजा। और ये बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब बचे 11 पे 30, 11 बॉल है 30 रन, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 11 बॉल है 30 रन, 11 बॉलों में 30 रन और चाहिए। और उठा के फिर मारने की कोशिश की है, और इसी के साथ कैच आउट हुए मिस्टर चेतन, अपनी टीम को काफी क्लोज लेके गए थे और हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी, लेकिन अंततः उनकी इनिंग का अंत हुआ। 10 बॉलों में 30 रन की आवश्यकता, प्रेशर सिचुएशन थी, और सीधे खिलाड़ी के हाथ में दे मारे। और इसके साथ अगली बॉल बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आई, मिस्टर योगेश हैं अगले बैट्समैन के रूप में आने वाले। पारस अपने ओवर की 4थी बॉल लेकर के आते हुए, और 4थी बॉल डॉट बॉल, काफी अहम योगदान है इन डॉट बॉलों का इस समय। जैसे जैसे बॉल डॉट होती रहेंगी वैसे वैसे बैटिंग टीम पर प्रेशर बनता रहेगा और लक्ष्य जो है और मुश्किल होता जाएगा। और 5वीं बॉल पुनः डॉट, अब 7 बॉलों पर 30 रन चाहिए जो कि असंभव सा लगने लग गया है। जब तक मिस्टर चेतन थे तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टीम जीत जाएगी, लेकिन और यहां पर रन आउट होते हुए मिस्टर पारस ने अहम मौके पर काफी इनिंग का लास्ट ओवर लेके आए हैं मिस्टर नीरज, और ये गए 4 रन के लिए सीधे। 5 बॉल है 26 रन, अभी भी 6 रनों के साथ, अब 5 पर 24, और ये दूसरी बॉल सीधे 4 रन की तरफ अग्रसर होते हुए, और फील्डर वहां पर मौजूद, और चार पर 20, बन सकते हैं आसानी से, 3 हिट की दरकार है, और उड़ा के मारा है सीधे 6 रन के लिए। उम्मीदों को बरकरार रखते हुए 3 पर 14, 3 बॉल 14 रन,
मिस्टर राकेश बॉलिंग मार पाए और ये इस बॉल को रोकना होगा अन्यथा, और इसके 4 रन 2 बॉल 10 रन प्रेशर फील्डिंग टीम पे, 2 गेंदें 10 रन 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, प्रेशर जो है फील्डिंग टीम पे आ चुका है और उठा के मारने की कोशिश की है, ये कैच के लिए गए और इसी के साथ ये हुए रन आउट और 1 रन। आखिरी गेंद पर क्या कर गुजरते, 10 रन चाहिए और 10 रन में ये बॉल और ये कोई रन नहीं। तो इस प्रकार से जो मैच है वो उर्ली खान 11 ने जीत लिया है और काफ़ी अच्छा रोमांचक मैच था। उर्ली खान 11 काफ़ी खुश होते हुए और नागाड़ 11 थोड़ा सा निराश जरूर होगी क्योंकि आसानी से बन सकते थे, जब ऐसी स्थिति पर आ चुके थे तो उसके बाद जो है मैच को रिलीज किया। और यह है विनिंग टीम के कैप्टन और उर्ली खान एक बार पुनः जीते हुए